सेशन में, और जैसा कि हमने पिछली क्लास से स्टार्ट किया था, ये पिछले कुछ क्लासेस में हम स्टार्ट कर चुके हैं वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर 10th साइंस एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इन दोनों का ही मीनिंग ऑलरेडी हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे आए हुए हैं माय डियर, एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और उस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं माय डियर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, और उसी में हमने डिस्कस किया था एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो माय डियर आज बारी है हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द नेम ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो शेयर करें बेटा चैनल को फटाफट, वीडियो को शेयर करें बेटा। यहां पे नहीं है क्या बात? तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा किसके बारे में, बोल दो जरा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसके बारे में बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम आज डिस्कस भी करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह के बारे में, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मीनिंग होता है। बिजेंद्र, हाँ जी बिजेंद्र जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो शेयर करें बेटा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एक बार, चैनल को फिर स्टार्ट करते हैं, फिर आज स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और जो जुड़ चुके हैं बच्चे, एक बार कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डिलीवर करके बेटा एक बार अपनी प्रेजेंस को नोटिस करवाएं प्लीज। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास है बेटा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि नाम ही इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है बेटा? नाम ही इंडिकेट करता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजिशन। क्या होता है? चेंज इन पोजिशन। तो यहां पे हम उस डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग हम कैसे समझ सकते हैं? तो यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की पोजीशन को क्या कर देगा? यहां पे चेंज कर देगा। यानी जो एलिमेंट हमारे पास ऑलरेडी किसके अंदर प्रेजेंट होगा? एक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा, उस कंपाउंड से उसको वहां से क्या कर देगा? वो डिस्प्लेस कर देगा, उसकी पोजीशन को क्या कर देगा? वहां से चेंज कर देगा माय डियर। एंड दैट रिएक्शन इज नेम्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे जर्नल एग्जाम्पल की हेल्प से अगर हम समझें, तो जैसे हमारे पास, जैसे जर्नल एग्जाम्पल की हेल्प से अगर हम यहां पे बात करें, तो जैसे हमारे पास मान लीजिए एक्स वाई कोई कंपाउंड है, एक्स वाई हमारे पास क्या है बेटा? कोई कंपाउंड है। रवि नरवाल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, यस गुड इवनिंग बेटा। तो यहां पे देखिए, जैसे हमारे पास एक्स वाई कोई कंपाउंड है बेटा, एक्स वाई हमारे पास कोई भी कंपाउंड यहां पे हो सकता है, और इस कंपाउंड की हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ बेटा? जेड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाई बेटा? जेड के साथ। तो जब हम यहां पे दोनों, आई एम फाइन बेटा, एंड व्हाट्स अबाउट यू मिस्टर रवि? तो यहां पे देखिए, जब हम इस चीज को यहां पास हो, जिसमें हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो बेटा? जेड वाई की फॉर्मेशन हो, और प्लस हमारे पास क्या रिलीज हो बेटा? एक्स। क्या रिलीज हो बेटा? एक्स। तो इस इक्वेशन में देखिए, इन दिस इक्वेशन आपको क्या लगता है? इन दिस इक्वेशन हमें क्या लगता है कि जो हमारे पास Z था, उसने यहां से Y को क्या कर दिया बेटा? डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया बेटा? डिस्प्लेस। तो यानी यहां पे अब ये डिस्प्लेस क्यों करेगा जतिन? तो अब ये यहां पे हमारे पास दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यहां से क्यों डिस्प्लेस करेगा इसको, क्यों, Why? तो इसी क्वेश्चन का हमें यहां पे आंसर फाइंड आउट करना है। अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमें मिल जाए, तो हम एक नहीं पता नहीं कितनी केमिकल रिएक्शन लिख देंगे बेटा इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
हाँ जी जतिन, ग्रेट इवनिंग बेटा, ग्रेट इवनिंग। तो यहां पे देखिए, जेड डिस्प्लेस एक्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी उसी के कंपाउंड से उसने एक्स को क्या कर दिया बेटा, डिस्प्लेस कर दिया, और उस एक्स की जगह हमारे पास क्या आ गया बेटा, वाई आ गया। तो हाउ वी कैन राइट दिस, द डेफिनेशन ऑफ दिस। तो यहां पे देखिए, अगर जेड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक एलिमेंट है, ये हमारे पास क्या बेटा, एक एलिमेंट, और ये हमारे पास क्या है बेटा, कंपाउंड। ये हमारे पास क्या है बेटा, एक कंपाउंड है, और उसका सॉल्यूशन भी हो सकता है, उसका एक्वस सॉल्यूशन भी हो सकता है कि उसको हम किस में डिसॉल्व करें बेटा। परवीन गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो यहां पे देखिए, हाउ वी कैन राइट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, उसके साल्ट सॉल्यूशन से किसको डिस्प्लेस करना बेटा, एक मोर रिएक्टिव, एक मोर रिएक्टिव मेटल, एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगी बेटा, डिस्प्लेस करेगी। एक मोर रिएक्टिव मेटल, मेटल सॉरी, एक एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा बेटा, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा उसके साल्ट सॉल्यूशन से बेटा, उसके साल्ट सॉल्यूशन से। तो यहां पे देखिए, जैसा कि हमने वर्ड यहां पे लिखा है, ना तो मेटल लिखा और ना ही नॉन मेटल, हमने वर्ड लिखा यहां पे एलिमेंट बेटा, और यहां पे भी हमारे पास क्या लिखा है, एलिमेंट लिखा है। तो एलिमेंट्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो हमारे पास ब्रॉडली दो ही क्लासिफिकेशन आती है बेटा। एलिमेंट्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो देर आर टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, वन इज कॉल्ड मेटल एंड सेकेंड वन इज नॉन मेटल बेटा। तो यानी हमारे पास दो तरह के एलिमेंट हो सकते हैं, एक मेटल हो सकते हैं और एक क्या हो सकते हैं, नॉन मेटल। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा। अच्छा रवि, बफरिंग हो रही है बेटा, अभी भी हो रही है बफरिंग रवि, प्लीज टेल मी, या अब ठीक है, नॉर्मल चल रही है वीडियो, प्लीज टेल मी रवि, जतिन, ऑडियो वगैरह ठीक है बेटा, आवाज वगैरह ठीक आ रही है बेटा, प्लीज। कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं बेटा, प्लीज टेल मी। प्रतीक, यस सर, ओके, अब तो नहीं हो रही ना बेटा बफिंग वगैरह। रवि, विजेंद्र मलिक, यस सर, अभी भी हो रही है बेटा। यस सर का मतलब क्या समझू मैं, हाँ या ना, नो सर। अच्छा अब ठीक है, जतिन यानी नहीं हो रही बेटा, हाँ जी ये आया समझ में। तो यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता बेटा, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, वहां से उसको विस्थापित कर देगा, उसकी पोजीशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, उसको वहां से धक्का दे देगा। तो यानी अब यहां पे देखिए, एलिमेंट की अगर हम बात करें तो जो ये हमने एलिमेंट यहां पे लिखा है, दीज एलिमेंट मे बी मेटल और मे बी नॉन मेटल, हमारे पास क्या हो सकती है बेटा, मेटल भी हो सकती है और नॉन मेटल भी हो सकती है। सेम इसी तरह से ये एलिमेंट भी हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, मेटल हो सकता है, यानी जो मोर रिएक्टिव है वो मेटल भी हो सकता है और हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, नॉन मेटल भी हो सकता है। तो यहां पे देखिए, ओके बेटा रवि, ओके बेटा, ये बताइए ये आया आप समझ में, कोई डाउट है बेटा प्लीज। रवि, प्रवीण, जतिन, रवि, विजेंद्र, प्लीज, यस, प्रतीक, हाँ जी, ओके बेटा, नो डाउट सर, ओके बेटा, ओके। तो इस केस में देखिए, तो इसी के बेस पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये दो तरह की हो सकती है बेटा। देर आर टू टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देर आर टू टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टू टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी हमारे पास दो तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है। तो
तो देखिए जब हम टाइप बताएंगे माय डियर, जब हम यहाँ पे टाइप बताएंगे तो यानी जब क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो कुछ ना कुछ बेस लेके चलते हैं। तो यानी यहाँ पे देखिए किस बेस पे हम यहाँ पे दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता रहे हैं। वो बेस हमारे पास है, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास कौन डिस्प्लेस किया गया है, कौन डिस्प्लेस किया गया है, कौन डिस्प्लेस किया गया है, मेटल या नॉन मेटल। ये मायने नहीं रखता कि कौन डिस्प्लेस कर रहा है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कि कौन डिस्प्लेस किया गया है, कौन लेस रिएक्टिव है, वेदर मेटल और नॉन मेटल। अगर एक मेटल को डिस्प्लेस किया जाए, अगर एक मेटल को डिस्प्लेस किया जाए किसी भी लेस रिएक्टिव मेटल के द्वारा तो उसको कहा जाएगा बेटा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक वो रिएक्शन जिसमें हमारे पास नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया जाए, दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नेम्ड एज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दोनों को ही हम यहां पे एग्जांपल की हेल्प से यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए देर आर टू टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा। फर्स्ट वन इज कॉल्ड मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक हमारे पास क्या आती है बेटा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक हमारे पास क्या आती है बेटा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सेकंड हमारे पास आती है बेटा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड हमारे पास आती है बेटा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यानी मैंने आपको क्या बताया कि इसके बेस का क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, कि कौन डिस्प्लेस किया गया है मेटल और नॉन मेटल। यानी वो रिएक्शन जिसमें मेटल डिस्प्लेस की जाए उसको क्या कहा जाएगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। और वो रिएक्शन जिसमें नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया जाए उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा बेटा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताएंगे बेटा समझ आया कि नहीं आया। अब यहां पे डेफिनेशन को समझते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को समझते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज को। देखिए यहां पर डेफिनेशन को समझते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बेटा। तो यानी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हमने ये आपको पहले भी बता चुके हैं इन केस ऑफ चेंज इन कलर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन जब हमने डिस्कस की थी बेटा, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस की थी तो उसमें एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी चेंज इन कलर। यहां पर देखिए एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे हमारे पास CuSO4 है बेटा, दिस CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास, यानी हमारे पास साल्ट था, ये क्रिस्टल्स थे इसके, उन क्रिस्टल्स को हमने पानी में डिजोल्व कर दिया। किस में डिजोल्व कर दिया बेटा, वाटर में डिजोल्व कर दिया। तो वहां पे इसका क्या बन जाएगा बेटा, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे हमारे पास ये बीकर है और इस बीकर में हमने वाटर लिया बेटा, और इस वाटर में हमने क्या ऐड कर दिया बेटा, कॉपर सल्फेट। जैसे ही कॉपर सल्फेट हम ऐड करेंगे तो इसका जो कलर होता है बेटा वो कैसा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। The color of the solution is blue. कैसा कलर होता है बेटा, ब्लू कलर होता है। यहां तक कोई डाउट हो बेटा प्लीज टेल मी। तो देखिए ये ब्लू कलर सॉल्यूशन अब हमारे पास है, अगर इसमें हम क्या करें बेटा, आयरन नेल्स को प्लेस कर दें, कुछ आयरन नेल्स को अगर हम यहां पे पुट कर दें इसके अंदर, तो हम ये देखते हैं कि जो आयरन नेल्स हैं वहां पे हमारे पास इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है, और कलर चेंज होके हमारे पास कैसा हो जाता है बेटा, ग्रीन। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे देखिए Fe यानी आयरन को हमने ऐड किया, दिस आयरन इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। जब यहां पे हम इसको ऐड करेंगे बेटा तो यहां पे देखिए आयरन इस कॉपर को यहां से क्या कर देगा बेटा, डिस्प्लेस कर देगा। आयरन डिस्प्लेस दिस कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेस इस दिस कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 एक्वस, और प्लस यहां पे क्या रिलीज होगा बेटा, कॉपर इन द सॉलिड स्टेट। बताएंगे बेटा ये आया समझ में, प्लीज टेल मी कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं एक बार, बताइए बेटा प्लीज कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं, इसमें टाइम थोड़ा कम है, प्लीज बताइए। यही हमारे पास नेक्स्ट सेम रिएक्शन आएगी बेटा। जतिन गुड सर, यस सर समझ आ गया। संदीप राव ओके बेटा, तो इसमें देखिए हमारे पास तो यहां पे देखिए हमारे पास जैसे कॉपर हमारे पास किस स्टेट में आ गया बेटा, सॉलिड स्टेट में आ गया। तो जब कॉपर सॉलिड स्टेट में आता है तो इसका कलर कैसा होता है बेटा, ब्राउन कलर होता है। कैसा कलर होता है बेटा, ब्राउन कलर। तो ब्लू कलर से कैसा कलर आ जाएगा इसके पास, ब्राउन कलर आ जाएगा बेटा।
तो यहां से हमें क्या पता चला दैट अ मेटल डिस्प्लेस, एक मेटल ने दूसरी मेटल को क्या किया यहां पे डिस्प्लेस किया बेटा। और इसको डिस्प्लेस करने के लिए जरूरी है कि जो आयरन हमारे पास है बेटा, दिस मस्ट बी अ मोर रिएक्टिव मेटल, ये हमारे पास क्या हो बेटा मोर रिएक्टिव मेटल होगी। और जो हमारे पास Cu है यानी कॉपर है, ये हमारे पास क्या होगी बेटा एक लेस रिएक्टिव मेटल होगी। दिस कॉपर इज मस्ट बी अ लेस रिएक्टिव मेटल, क्योंकि हमने डेफिनेशन ही क्या लिखी है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा डिस्प्लेस करेगा। तो इट मींस दिस कॉपर मस्ट बी अ मोर रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू, सॉरी दिस आयरन मस्ट बी अ मोर रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू दिस कॉपर। तो यहां पे देखिए हाउ वी कैन राइट द डेफिनेशन नाउ, हम किस तरह से इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। तो देखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन बेटा, द रिएक्शन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच In which a more reactive metal displace a less reactive metal from its salt solution. That reaction is called metal displacement reaction बेटा। I hope आप सभी को समझ आई होगी बेटा definition metal displacement की। तो अब यहां पे देखिए next एक example, एक next हम discuss कर लेते हैं बेटा non-metal displacement reaction, उसको भी हम एक example की help से यहां पे समझने की कोशिश करेंगे बेटा। देखिए दो example यहां पे हम discuss करेंगे उसके लिए। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, अब इसमें एग्जांपल देखिए हमारे पास एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा, जैसे हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl इन द एक्वा स्टेट, दिस इज द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है बेटा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए इस कंटेनर में हमारे पास, जैसे एक एक्सपेरिमेंट भी हमारे पास होता है बेटा, जैसे एक बोतल को अगर हम लें और इस बोतल में हमारे पास ये HCl है, क्या है बेटा HCl डाइल्यूट HCl है, इसमें अगर हम कुछ टुकड़े किसके डाल दें बेटा जिंक के ऐड कर दें, और जिंक के कुछ ग्रेन्युल्स ऐड करने के बाद इसके मुंह पे अगर हम क्या लगा दें बेटा एक बैलून लगा दें, क्या लगा दें बैलून। तो हम ये देखते हैं कि जो बैलून है उसका साइज क्या होता है बेटा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, द साइज ऑफ द बैलून इज गेट इंक्रीज्ड। व्हाई, क्यों इंक्रीज हुआ बेटा, तो यानी देखिए इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन में, इस HCl के डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमने किसको ऐड किया बेटा जिंक को ऐड किया है, दिस इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट एंड दिस जिंक इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। यहां पे कुछ हमारे पास ऐसी रिएक्शन हुई कि जो जिंक है इसने यहां से इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया बेटा डिस्प्लेस कर दिया, दिस जिंक डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड, किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी इन द एक्वा स्टेट, दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज जिंक क्लोराइड, क्या बोल देंगे बेटा इसको जिंक क्लोराइड। और यहां पे देखिए हमारे पास हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए अगर इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहां पे जिंक वन एक है बेटा, यहां पे भी क्या है जिंक एक ही है, यहां पे सी एल कितने बेटा टू, यहां पे कितने हैं वन, तो यहां पे कोफिशिएंट कितना आ जाएगा बेटा टू। तो हाइड्रोजन अब इस तरफ कितने हो गए टू और इस तरफ कितने बेटा टू, दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहां पे एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, जब जिंक ने यहां पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया तो इसका मतलब जिंक मस्ट बी अ मोस्ट दिस जिंक मस्ट बी अ मोर रिएक्टिव, दिस इज मस्ट बी अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ये हमारे पास क्या होगा बेटा मोर रिएक्टिव एलिमेंट। और जिंक बताओ एक मेटल होती है या नॉन मेटल होती है बेटा, जल्दी बताइए,
जिंक हमारे पास मेटल होती है या नॉन मेटल होती है? जिंक, जिंक हमारे पास क्या होती है बेटा, एक मेटल है या नॉन मेटल है? जिंक इज अ मेटल। जतिन, जिंक क्या होती है बेटा? एक मेटल होती है। मुझे पता है, तो मेरे साथ मजाक कर रहा था, है ना, जानबूझ कर ये चेक करने के लिए कि इसको भी कुछ आता है कि नहीं आता, कि मैं गलत आंसर दे दूं तो ये देखेंगे ठीक बताएगा। हाँ जी, मेटल आएगा। क्या बेटा? एक मेटल। तो यहां पे देखिए, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या है बेटा? एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन हमारे पास क्या बेटा? एक नॉन मेटल। तो यहां पे आपको क्या पता चला कि एक मेटल ने किसको डिस्प्लेस कर दिया बेटा? एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। एक मेटल ने किसको डिस्प्लेस कर दिया बेटा? एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसलिए नाम क्या दिया गया बेटा? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी जिसमें किसको डिस्प्लेस किया गया हो, एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया गया हो। किसको डिस्प्लेस किया गया बेटा? नॉन मेटल। तो यहां पे आप देखिए डेफिनेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं, हाउ वी कैन राइट द डेफिनेशन। देखिए, और द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बेटा? द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच ठीक है वास्तव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच a more reactive metal or non metal ये फोन लगाओगे। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल और अ नॉन मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल बेटा, नॉन मेटल सॉरी, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। यानी उसके साल्ट, उसके सॉल्यूशन से उसको क्या किया जाएगा बेटा? डिस्प्लेस किया जाएगा किसके द्वारा? मेटल या नॉन मेटल के द्वारा। अब यहां पे देखिए, हाँ जी रवि, गुड। तो अब यहां पे देखिए बेटा, मेटल का तो एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया कि जिसमें एक मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगी। अब एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल को कैसे डिस्प्लेस करेगी वो देखिए। हमारे पास एक एलिमेंट्स होते हैं जिनको कहा जाता है बेटा हैलोजन। क्या कहा जाता है बेटा? हैलोजन। जब फिफ्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे हमारे पास, दीज आर ग्रुप 17 एलिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इनको? ग्रुप 17 एलिमेंट, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं बेटा फ्लोरीन। कौन कौन से आते हैं बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एंड आयोडीन बेटा। तो ये हमारे पास वैसे तो पांच आते हैं लेकिन चार देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहां पे देखिए, अगर यहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है इसमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और ये हमेशा मिलता है F2 इज मोर रिएक्टिव। ये फ्लोरीन, इसका सिंबल है, फ्लोरीन का सिंबल है बेटा F और क्लोरीन का सिंबल है बेटा Cl और ब्रोमीन का सिंबल है बेटा Br और आयोडीन का सिंबल है बेटा I। और ये 2 इसलिए लिखा है, ये 2 इसलिए लिखा है क्योंकि कभी भी ये मोनो एटॉमिक स्टेट में नहीं मिलता। एक एटम हमें कभी नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो इन दिस केस अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इस एग्जांपल को। जैसे हमारे पास मान लीजिए क्लोरीन का साल्ट का सॉल्यूशन है, जैसे KCl। KCl को हम बोलते हैं बेटा पोटेशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेशियम क्लोराइड। और इस पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में जब हम क्या डाल दें बेटा, मान लीजिए F2 को हमने ऐड किया। किसको ऐड किया बेटा? F2। तो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो हम ये चेंज देखते हैं, जब हमारे पास ये रिएक्शन होती है तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है बेटा KF+Cl2। किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा? KF+Cl2। KF हमारे पास कहा जाएगा बेटा इसको? पोटेशियम फ्लोराइड। क्या कहा जाएगा बेटा?
पोटेशियम फ्लोराइड, क्या बोल देंगे बेटा इसको, पोटेशियम फ्लोराइड। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि फ्लोरीन ने यहां पे क्लोरीन को क्या कर दिया बेटा, डिस्प्लेस कर दिया। तो यहां पे फ्लोरीन ने क्लोरीन को क्या कर दिया बेटा, डिस्प्लेस कर दिया। तो यहां पे देखिए एक नॉन मेटल ने दूसरी नॉन मेटल को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अ मेटल अ नॉन मेटल डिस्प्लेस अ अनदर नॉन मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। Therefore, this is again a what type of reaction बेटा, this is again a non-metal displacement reaction। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। फिर आगे मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज आपको बता देता हूं आज। प्लीज टेल मी, यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज। रवि, जतिन, यश, संदीप, ओके बेटा, हाँ जी प्लीज। तो यहां पे देखिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करेगी। उसके लिए हमारे पास आती है बेटा एक रिएक्टिविटी सीरीज। क्या आती है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। देखिए कैसे हम उसको याद करेंगे। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज। इसका जैसे P4 हमारे पास है बेटा पोटेशियम, S4 हमारे पास सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सॉरी एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, लेड, हाइड्रोजन और फिर आएगी बेटा कॉपर, फिर आएगा बेटा सिल्वर, फिर आएगा बेटा गोल्ड और फिर आएगा बेटा प्लेटिनम। क्या आएगा बेटा, प्लेटिनम। देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे, इनका फर्स्ट लेटर आप लिख लीजिए। फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा बेटा, P और इसका आएगा S, बी सी, टिन और लिख लीजिए बीच में, मैजेंटल, फिर H और फिर C और देखिए इसके बीच में एक और लिख लेते हैं हम मर्क्यूरी। क्या लिख लेते हैं बेटा, मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी का सिंबल होता है बेटा Hg, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा H। सिल्वर का सिंबल होता है बेटा Ag, गोल्ड का सिंबल होता है बेटा Au। तो इनके नाम सिंबल का नाम, इनका सिंबल का ही फर्स्ट लेटर ले लेते हैं A और A और फिर आ जाएगा बेटा P, प्लेटिनम। देखिए इसको हमें इस तरह से याद करना पड़ेगा, PSBC, क्या बोलेंगे बेटा, PSBC, आप इस तरह से याद रखिए PSBC और MAZINTL, क्या बन जाएगा ये, मैजेंटल, PSBC मैजेंटल और उसके बाद क्या आया फिर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फॉर है, तो PSBC मैजेंटल है। क्या बोलेंगे बेटा, PSBC मैजेंटल है और उसके बाद देखो क्या बन गया ये, CHAAP, चाप। क्या बन गया बेटा, चाप। तो PSBC मैजेंटल है और फिर क्या आ जाएगा बेटा, चाप। अब जो पोटेशियम हमारे पास लिखा है, दिस इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ये हमारे पास क्या है बेटा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल का मतलब क्या है कि पोटेशियम इन सभी को डिस्प्लेस कर सकता है, पोटेशियम इन सभी को डिस्प्लेस कर सकता है। सोडियम दूसरे नंबर पे रिएक्टिव है, ये पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, बाकी सभी को डिस्प्लेस कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब यहां पे देखिए कैल्शियम, कैल्शियम यानी ना तो पोटेशियम को डिस्प्लेस कर सकता, ना सोडियम को, ना बेरियम को, बाकी सभी को क्या कर देगा बेटा, डिस्प्लेस कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट ऑन। तो प्लेटिनम देखिए, प्लेटिनम क्या इनमें से किसी को डिस्प्लेस कर पाएगा, नो सर। तो इसलिए जो प्लेटिनम है वो क्या आ जाएगी बेटा, सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल।
और आपने पढ़ा भी और छोटी क्लासेस में, तो सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम, इन तीनों को यूज किया जाता है बेटा फॉर द मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स। जो गहने आभूषण होते हैं उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते किसी के साथ, इसलिए इन मेटल्स को क्या कहा जाता है बेटा? नोबल मेटल्स का भी नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है बेटा? नोबल मेटल्स। तो बताइए बेटा कोई डाउट है तो प्लीज। हाँ जी, आई एम खुशी, टेंथ से। हाँ जी खुशी, अच्छा खुशी, ठीक है बेटा, पहचान लिया मैंने आपको, खुशी। ये आ रहा बेटा समझ में, ये जो करवा रहे हैं? तो यहां तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए बेटा। हाँ जी सर, नो डाउट सर, ओके खुशी। रवि, जतिन, प्रतीक, कोई डाउट हो बेटा? हाँ जी। तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा रिवाइज करना। आई एम रोबिन सर, ओके विजेंद्र, रोबिन, आई एम रोबिन, नॉट आई एम नॉट रोबिन, यू आर रोबिन है, ओके ठीक है बेटा। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके बाद का टॉपिक। इसको थोड़ा याद रखना, पीएसबीसी मैजेंटल है और फिर क्या आ जाएगा बेटा? चाप, ओके। देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट ऑल्सो। थैंक यू बेटा। रोबिन, रोबिन, ओके बेटा, थैंक यू।